मावली महासभा के सम्माननीय पदाधिकारी गण, श्री राजीव ध्रुव जी, श्री रिखी राम पोर्ते जी, जयधा ध्रुव जी, हमर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, मंच में विराजमान सबो हमर नेतागण, हमर मावली महासभा के पदाधिकारी गण, यहाँ के हमर कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सभी अधिकारी कर्मचारी मन, और हमर गोंड समाज के दूर दूर से आए सभी पिता तुल्य सज्जन बिंद, हमर मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी भाई मन और हमर मीडिया के साथी भाई मन, सबके लिए पहले मैं समाज के आभार व्यक्त करना चाहूं और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा के कि आज के कार्यक्रम पर हमला बुलाओ, हमर स्वागत भारी आत्मीयता के साथ गजमाला के द्वारा करे हैं। एक बहुत बहुत आप सबके हमन आभारी हैं और आप सबके भी ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। हमारे आदिवासी समाज के बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रही से आजादी के लड़ाई में हमारे आदिवासी समाज के बहुत बड़ा योगदान रही से महारानी दुर्गावती जेकर अभी बलिदान दिवस 24 तारीख के रही से मैं अंबिकापुर में मैं वहां गए रहो बलिदान दिवस मनाए पर। और आज अमर पूर्व वक्ता मन भी बताई नहीं गढ़मंडला के महारानी दुर्गावती बहुत ही साहसी न्यायप्रिय रानी रहीन महारानी रहीन और बहुत कम अपन सैन्य शक्ति के बाद भी मुगल मन से डट के मुकाबला करीन और मुकाबला करते हुए शहीद हो गिन। ऐसे हमर गढ़मंडला के महारानी दुर्गावती रहीन। आज शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गेंद बहादुर, ये सब हमर आदिवासी समाज के बड़े बड़े आजादी के योद्धा मन रहे। आज भगवान बिरसा मुंडा जो तीर धनुष से अंग्रेज मन के साथ में लड़ाई लड़ीन, आज उमन के जन्मदिन 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के आज हमर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासी समाज के गौरव बढ़ाए पर 15 नवंबर के जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषणा करीने और 15 नवंबर के छुट्टी भी देने। सिद्धू कानू ये सब हमारे आदिवासी समाज के बड़े बड़े आजादी के योद्धामन रहीन। जे इतिहास के पन्ना में गुमनाम होगी जितना उमन के इतिहास में इतिहास के पन्ना में जगह मिलना रही उतना नहीं मिल पाईस। लेकिन मैं बताना चाहूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे समस्त जो हमारे आदिवासी समाज के आजादी के योद्धा रहीन वो सब लाज देश के सामने में समाज के सामने में लानत है इतिहास में मतलब शामिल करा था। आज महारानी दुर्गावती के जहां तक बात है आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में जहां मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट है वहां करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके महारानी दुर्गावती के यादगार में वहां पर स्मारक वगैरह बना थे। ये हमार नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी करत हमार जैसे पूर्व वक्ता मन बोलिन वास्तव में आप मन मनन चिंतन करियो तो हमारे आदिवासी समाज के वास्तव में चिंता हमार नरेंद्र मोदी जी करी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी करी। आज ये देश के जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति से कोई बड़े पद नहीं हुए सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के होते आज हमारे आदिवासी समाज के बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
आज वहां विराजमान है। हमारे पूरे 10-12 करोड़ से ज्यादा हमारे जो आदिवासी मन के पॉपुलेशन है, ये देश में उमन के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे तो आदिवासी मन के समुचित विकास हो, एक लिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करी पहली बार। और उस समय मैं भी सांसद रहे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे 5 साल भर, उस समय मैं भी सांसद रहे और उस समय पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन हुई। उड़ीसा के हमार आदिवासी सांसद जुएल उराव जी ओकर उस समय में मंत्री रहे आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के, और राज्य मंत्री के रूप में हमार गोड़ समाज के मंडला के सांसद श्री फगन सिंह कुलस्ते जो आज भी मंडला से सांसद के रूप में जीती ने वो रहिन। आज इतना बजट है आदिवासी मन के विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय में कि एक एक प्रदेश सरकार के बजट के बराबर सिर्फ एक आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के बजट है। आज मोदी जी ये करत, आज जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, आज छत्तीसगढ़ में आप उनके बेटा ला बनाई ने है। आज उड़ीसा में अभी सरकार बनी से भारतीय जनता पार्टी के, वहां भी मोहन चरण मांझी एक आदिवासी ला मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बैठाई है। तो ये सब देखा जाए तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हमारे आदिवासी समाज के मान और सम्मान और विकास एक बहुत बड़े चिंता करीन है, एला हमला ख्याल करना पड़ी। और आज आदिवासी सांस्कृतिक भवन के लोकार्पण करे हन, बारिश के कारण वहां जाना संभव नहीं हो पाई कहे कि रास्ता गीला होगी से, यही ले हमन बटन दबा के होकर लोकार्पण करे हन। तो पूरे समाज के मोर बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। ये भवन के बने से निश्चित रूप से समाज के मजबूती में, समाज के महासम्मेलन वगैरह करे में बहुत होकर सहयोग हो ही। और मांग आई से हमार मावली महासभा के अध्यक्ष के द्वारा और हमार श्रोतन शर्मा जी भी जो क्षेत्र के विधायक रही नोमन के तरफ से, तो ये जो